अब ये डॉलर आ गया, आप दूसरा प्रोग्राम एडिट कर सकते हो, उसको इसी तरह कंपाइल कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको यही प्रोग्राम फिर से रन करना है कोई दूसरे दो नंबर के लिए, आप फिर से यहाँ पे बोलो ए डॉट आउट, क्या होगा? अब आप में से कोई बता सकता है फिर से ए डॉट आउट लिखो तो क्या होगा? हाँ, सबसे पहले क्या होगा? नहीं, आप बीच में स्टेप स्किप कर गए, मैं अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही हूँ। पहले नहीं, कंपाइल कर लिया उसने, पहले जो कंपाइल किया था उसी को हम रन कर रहे हैं, यहाँ सी प्लस प्लस नहीं लिखा हमने। तो ये आप सही कह रहे हैं कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, अभी तक हमने ए डॉट आउट लिखा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी कि फिर से डिस्क में से ए डॉट आउट उठाएगी और फिर से उसको लेकर कंप्यूटर में डाल देगी, भाई ये प्रोग्राम रन करो, और फिर से ए बी और सी जो है वो यहाँ पे फिर से लिखेगी ए बी और सी। ये जरूरी नहीं कि इस बार इन्हीं तीन लोकेशन पे लिखा जाए, वो उस समय अगर उसके कंप्यूटर में कहाँ कौन सी जगह है वो यहाँ पे भी लिख सकता है ए बी और सी। ये बात जानना जरूरी कि हर बार जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो जो मेमोरी लोकेशन जो है वो वही नहीं रहेंगे जो पुराने थे, कोई भी हो सकते, क्योंकि हो सकता है आपने ये प्रोग्राम रन करने के बाद में ए डॉट आउट लिखा, उससे पहले मैंने कोई मेरा प्रोग्राम रन कर लिया, उससे पहले कुछ और कंप्यूटर ने कर लिया। तो मेमोरी लोकेशन जो है वो पूरी की पूरी मेमोरी रहती है, जहाँ जगह मिले वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोग्राम को ठूस देती है कि आप रन करो, फिर वो अपने जहाँ भी जगह मिलता है ए बी सी कर लेते। इतना गारंटी है कि जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये हमारे तीन नाम आ जाएंगे, इसके बाद में फिर से एग्जीक्यूट होगा, ये फिर से दो वैल्यू मांगेगा। इस बार हम वैल्यू दे सकते हैं 103 और 205, वो 103 और 205 यहाँ और यहाँ जाएगी, सी इक्वल टू ए प्लस बी में वो ऐड होकर उधर सी में चली जाएगी, और आउटपुट सी बोलेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगा, इसी तरह से और तीन वैल्यूज आ जाए, फिर डॉलर आ जाए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं और इसमें ये देखते हैं कि क्या हम खाली एडिशन कर सकते हैं, क्या कुछ और भी कर सकते हैं। तो सी प्लस प्लस भाषा हमें परमिट करती है कि हम एडिशन करवाएं चीज़ों का, या सब्ट्रैक्शन करवाएं, या डिवीजन करवाएं, यानी एक्स स्लैश वाई लिख दिया तो डिवीजन हो गया, पी स्टार क्यू लिख दिया मल्टीप्लिकेशन हो गया, सिंपल है समझना। एक और ऑपरेटर है एम परसेंट एन, ये थोड़ा विचित्र ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलो रिमाइंडर। मॉड्यूलो समझते हैं आप? 13 मॉड्यूलो 7, इसका मतलब होता है अगर मैं 13 को 7 से भागा भाग दूं तो भागाकार आएगा 1, इसमें से 7 घटाएंगे बचेगा कितना? 6, ये 6 रिमाइंडर हो गया। ये जो रिमाइंडर है ये मॉड्यूलो ऑपरेटर का, यानी 13 मॉड्यूलो 7 6 आएगा। ठीक है, 22 मॉड्यूलो 3 कितना आएगा भैया? 1, 3 7 21 और 1। ठीक है, समझ गए आप? बिल्कुल। तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर भी सी प्लस प्लस परमिट करता है, यानी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलो ऑपरेशन इतना कर सकते हैं, ये एक चीज। तो ये तो हुए ऑपरेटर्स बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। नंबर दो, अभी तक हम देखे हैं इंट यानी इंटीजर, लेकिन हम अगर ये चाहें कि 13 को 7 से भाग देना चाहें कितनी आएगी वैल्यू भैया? नहीं, वो आप गणित में कितनी आएगी, कंप्यूटर छोड़ो, 1.5, मतलब ये हनुमान की पूंछ की तरह चलती जाएगी। ठीक है, लेकिन इस तरह के फ्रैक्शन आ सकते हैं हमारे कैलकुलेशन में और जरूर आएंगे हर बार साइंटिफिक कैलकुलेशन करना, तो हमें ये सुविधा भी चाहिए कंप्यूटर में कि फ्रैक्शनल नंबर भी उसको रिप्रेजेंट कर सके, फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सके। अगर हमने दो नंबर इंटीजर लिखे हैं तो ए डिवाइडेड बाय बी करेंगे तो कभी भी फ्रैक्शन नहीं मिलेगा हमको,
हमें उसका इंटीजर पोर्शन ही मिलेगा C++ के रूल के मुताबिक। यह अच्छा नहीं है। इसलिए कंप्यूटर एक और चीज अपने को परमिट करता है कि भाई आपको कुछ लोकेशन में इंटीजर नंबर रखना है रखो, लेकिन अगर आपको इस तरह के फ्रैक्शनल नंबर रखना है तो उनको फ्लोट करके नाम दे। ये फ्लोट एक्स फ्लोट वाई, इसका मतलब हुआ कि कुछ ऐसे लोकेशन यहां पे रखो एक्स और वाई जिनके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो इंटीजर वैल्यूज नहीं होंगी, वो फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती। 23.78 -203.9482, ये इस तरह की वैल्यू हम रख सकते। हाँ, उसके अभी इन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई हमने फ्लोट बोला है एक्स, हाँ, और फिर हमने लिख दिया इंस्ट्रक्शन में कहीं तो भी एक्स इज इक्वल टू 25, क्या ये ठीक है? अब भाई हमारी जानकारी के मुताबिक गणित में जब हम फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं तो इंटीजर भी कवर रहते हैं उसमें, तो 25 भी अंदर जाना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर की एक खासियत जो है, जो इन्होंने अभी जो सवाल पूछा उसके कारण हमें समझ में आई कि इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अंदरूनी इनका रखरखाव बिल्कुल अलग रहता है। ये अलग टाइप से रिप्रेजेंट किए जाते हैं फ्रैक्शनल नंबर, इंटीजर अलग टाइप से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसके लिए इन दो टाइप्स को C++ जो है बिल्कुल अलग अलग समझता। अगर आपने कहीं इनको मिक्स करने की कोशिश की तो उसके लिए C++ ने नियम बनाए और उन नियमों के मुताबिक ही उन अलग अलग टाइप का हैंडलिंग होता। जरा देख लें, चूंकि ये सवाल पूछा गया और बिल्कुल सही सवाल है, क्या होगा ऐसे समय? ऐसे समय में क्या होगा, ये 25 जो है दाहिनी तरफ वो तो इंटीजर में लिखा हमने, तो ये वो क्या करेगा, x इक्वल टू 25 बोलेंगे तो 25 तो इंटीजर वैल्यू लेगा, फिर वो प्रोसेसर में ले जाके उसको उल्टा पुल्टा करके जो फ्रैक्शनल नंबर जिस तरह से स्टोर किए जाते हैं उस रूप में उसको चेंज कर देगा और फिर उसको एक्स में रखे। अब वो अंदरूनी किस तरह से रखते हैं हमें तो मालूम नहीं, लेकिन चूंकि हम ये जानते हैं कि इंटीजर जो है खाली नंबर लिखे जाते हैं, तो हम अगर ये तय कर लें कि आपके और हमारे बीच में जब भी हम प्रोग्राम में वैल्यू लिखें या टर्मिनल में वैल्यू दें तो हमेशा डेसिमल पॉइंट यूज करेंगे ये बताने के लिए कि यह नंबर फ्लोटिंग पॉइंट है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब यह नंबर एक्स में जाएगा तो एक्स में 25.0 लिखा जाए। वो 25.0 और 25 में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं अपने आप को कि जो अंदर 25.0 है इसका मतलब इंटरनल रिप्रेजेंटेशन उसका वो नहीं है जो 25 का होगा, वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कोई अलग, लेकिन सही वैल्यू चली जाए। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, मान लीजिए हमने कहीं तो भी लिख दिया एक्स इज इक्वल टू 13.5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 13.5 फ्रैक्शनल नंबर है, एक्स तो फ्रैक्शनल नंबर रखने के लिए ही बनाया गया है, फ्लोट चला जाएगा। अब मान लीजिए मैंने लिखा बी इक्वल टू 13.5, मुझे तो दो लोकेशन है, सब नंबर रख रहे हैं, तो मुझे क्या, मैंने लिख दिया। अब कंप्यूटर को गड़बड़ हो जाए, क्योंकि आपने बोल रखा है कि भाई बी तो इंटीजर है, आपने वैल्यू दे रखी है उसको 13.5, ये वैल्यू उसको रख ही नहीं सकता बी में, क्योंकि बी में खाली इंटीजर नंबर रखी। तो ऐसे समय में कंप्यूटर क्या करता है, ये जो भी आपने नंबर दिया है उसका इंटीजर पार्ट अलग कर लेता है। 13.5, 17.289, इसका इंटीजर पार्ट क्या है, 13 और 17, उस पार्ट को वो अपने इंटीजर रिप्रेजेंटेशन में ढाल लेता है और बी में जो वैल्यू जाएगी वो खाली 13 जाएगी, ये 0.5 गायब हो जाए, समझ गया? तो इंटीजर और रियल को अगर आपने मिक्स किया तो असाइनमेंट के टाइम में टाइप कन्वर्शन हो जाए। इसी सिलसिले में हम ये देखते हैं कि कंप्यूटेशन किस तरह का होगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब वेरिएबल फ्लोट डिक्लेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंटीजर और फ्लोट जो हम डिक्लेयर करते हैं और जो नाम हम चूज करते हैं, उन नामों का संबंध रहता है कि प्रॉब्लम हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। अगर उस प्रॉब्लम में जो भी वैल्यूज आने वाली हैं उनको हम नामों से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर वो वैल्यू इंटीजर हुई तो हम चाहेंगे कि इंटरनली भी वो वैल्यू इंटीजर रहे, इसलिए इंट बोलते हैं। नहीं तो ये बिल्कुल सही कहा कि भाई मुझे झमेले में पढ़ना ही नहीं, सब मैं फ्लोट लिख देता हूँ,
जो भी कैलकुलेट करना चाहो करो। उसमें थोड़ा अंतर यह है कि चूंकि लोकेशन में क्या रखा जा सकता है वो फिक्स जगह है, तो अगर आप इसको फ्लोट सबको बोलेंगे तो इंटीजर नंबर रखने की क्षमता कम हो जाती, क्योंकि फ्लोट जो है वो 6 या 7 आंकड़ों से अधिक प्रिसीजन नहीं रख सकता, लेकिन इंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा प्रिसीजन रख, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात तय है कि इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें खाली एक चीज़ देखना रह गई, अगर ये मैंने लिखा, जैसे यहाँ लिख देता हूँ, अब मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा y इज इक्वल टू 3 star a प्लस 12.5, अब देखिए a तो इंटीजर है, a की वैल्यू कोई होगी मान लीजिए 17, तो ऐसा जब बड़ा एक्सप्रेशन लिखते हैं तो C++ क्या करता है, पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करता है, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करता है कॉमन से, लेकिन ये करते समय वो ये देखता है कि ये दो ऑपरेंड कौन से टाइप के, अगर दोनों एक ही टाइप के हुए तो रिजल्ट उसी टाइप का आएगा। यानी मान लीजिए ये 3 है और ये 17 है तो रिजल्ट आएगा 51, इसमें ऐड करना है 12.5, हमारे लिए तो दोनों वैल्यू है 51.0 12.5, कंप्यूटर के लिए बिल्कुल अलग अलग, ये 51 जब भी वैल्यू होगी, लेकिन ये इंट टाइप की है और ये जो है ये फ्लोट टाइप की, अब ये दो मिक्स नहीं कर सकता, तो कंप्यूटर क्या करता है कि इंट टाइप की वैल्यू को फ्लोट में पहले कन्वर्ट कर ले, इसका मतलब इफेक्टिवली ये 51.0 हो जाएगा, ये 51.0 ये बताने के लिए कि ये फ्लोट है, इसमें यह ऐड होगा 12.5 और उसके बाद जो टोटल है 63.5 ये यहाँ पर, और ये 63.5 है, समझ गए। अब थोड़ा एक्सरसाइज करें, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो एक फार्मूला का इवैल्यूएशन करे, वो फार्मूला है y इज इक्वल टू 2x³ प्लस 4.3x² प्लस 7x माइनस 28.91। कहीं तो भी केमिस्ट्री फिजिक्स करते समय कोई ऐसा फंक्शन आ गया अटपटा कि भाई x की कोई वैल्यू होगी तो y की वैल्यू इस तरह से निकाली जाएगी। अब इस तरह का फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे आप, लॉग टेबल यूज करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे, कुछ करेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप एक प्रोग्राम लिख दें और उस प्रोग्राम को जब भी हम x की वैल्यू दें वो y की वैल्यू दे दें हमें, तो बताइए कैसे लिखा जाएगा प्रोग्राम। नहीं, अब ये आपका काम शुरू होता है, अब आप ये प्रोग्राम लिखेंगे, क्या करना है समझ में आ गई ना, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसको हम जो x की वैल्यू हमसे लेगा पढ़ेगा और ये इक्वेशन कैलकुलेट करेगा और y की वैल्यू में डालेगा और y हमें दे देगा, सिंपल है, लिखिए अभी आप लिखिए, ये देखिए अभी मैं समझाता हूँ आपको, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने अभी तक स्कूल में जो भी पढ़ाई की है उसमें बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन रहता है, एग्जांपल रहते हैं, फार्मूला रहता है और आपको पता है कोई प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व करना, इसमें ये फार्मूला लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यहाँ पर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी, कुछ चीज़ें बुक में होंगी, कुछ चीज़ें पता नहीं रहेंगी और कुछ चीज़ों के प्रति आशंका रहेगी मन में, सही है कि गलत है, इसलिए पूछने की बजाय आप करना शुरू कर दीजिए, क्या होगा गलत करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप मुझे तो यहाँ तो ठीक है, कंप्यूटर को भी आप गलत प्रोग्राम देंगे तो कंप्यूटर कोई झाड़ू नहीं मारेगा आपको, बल्कि कुछ ही नहीं कर सकता, वो खाली डॉलर दे देगा वापस कि भी मेरे को नहीं समझा, तो इसलिए बिना डरे बिना हिजक के जितना आप अब तक समझे हैं, जितना ये प्रोग्राम कुछ सैंपल था सामने वो मैंने मिटा दिया है अब, लेकिन आपको याद होगा सिंपल इंस्ट्रक्शन है, हो सकता है कहीं गलती करे हिज्जे पुरजे कोई प्रॉब्लम नहीं,
सीखने का यही तरीका है, लिखो फिर कंपेयर करो क्या सही है क्या गलत है, फिर दूसरा लिखो, ठीक है, लिखिए। ओके ठीक, ओके अभी अभी ओके, अब मैं इनमें से कुछ सैंपल लिखता हूँ और इनको हम एनालाइज करेंगे। आप अपने प्रोग्राम अपने पास रखिए और ध्यान दीजिए कि किस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग लिखे, और फिर हम उसको देखेंगे कि क्या सही है और गलती हुई तो क्यों गलती हुई, ठीक है। ये कुछ प्रोग्राम्स जो लोगों ने लिखे हैं, इनमें से एक एक प्रोग्राम को हम देखेंगे। हो सकता है आप में से कुछ ने सिमिलर गलतियां करी होंगी, कुछ और गलतियां करी होंगी, कुछ ठीक लिखा होगा। इसको हर प्रोग्राम को देखते हैं। पहला प्रोग्राम हम देखें, इसमें इन्होंने डिक्लेयर किया है फ्लोट ए बी सी डी और वाई। अब जो फंक्शन हम जो दे रहे हैं, वो जो फंक्शन लिखा था क्या लिखा था याद है आपको, y इज इक्वल टू 2x² + x³। जिन्होंने ये प्रोग्राम लिखा है उनके दिमाग में एक जनरल इक्वेशन होगा जो लिखा जाएगा ax³ + bx² + cx + d। इसीलिए उन्होंने लिखा होगा कि भाई अगर इस तरह का एक्सप्रेशन में इवेल्युएट करना है तो a b c और d सबकी वैल्यूज लगेंगी, x की भी वैल्यू लगेगी। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये अपनी प्रॉब्लम से भी ज्यादा जनरल प्रॉब्लम। अपनी प्रॉब्लम में तो एक्स की अलग अलग वैल्यू देके वाई आ जाएगा, इनके प्रोग्राम में न केवल एक्स लेकिन ए बी सी डी की भी अलग अलग वैल्यू होगी, यानी अलग अलग फंक्शन और अलग वैल्यू ऑफ वाई भी कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये इनकी चाहत है, लेकिन देखिए हुआ क्या है। यहाँ पे इन्होंने फ्लोट ए बी सी डी वाई बोल दिया, अब यहाँ लिखा है इन्होंने वाई इन, ये तो गड़बड़ है, वाई इन तो नहीं होता है भैया,
क्या होता है सी इन, वो एक्स और वाई आ गए तो आपकी इंस्ट्रक्शन तो नहीं बदलेगी, तो ये एक गलती है, ये हो जाएगा सी इन। ठीक है, ए बी सी डी पढ़ लिया, एक्स तो पढ़ा ही नहीं, बगैर एक्स के कैसे कैलकुलेशन होगा? तो अगर ये करना है तो इसके अलावा इनको एक्स भी होना चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद सेमी कोलन होना चाहिए, भैया कॉमा नहीं चलता सी प्लस प्लस, ऊपर भी सेमी कोलन चाहिए, एक्स भी चाहिए। समझ में आ गया आपको? जो भी आप करना चाहें, जितने भी नाम यूज करना चाहें, सबका डिक्लेरेशन होना चाहिए। लेकिन ये यहाँ क्या गड़बड़ हो गई, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जबकि जनरल फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो जनरलाइज करने की कोशिश में इन्होंने खाली चार कोएफिशिएंट का एडिशन कर दिया, वो वैल्यू आ गई वाई में, और फिर वो इंस्ट्रक्शन ये भी गलत हो गई, इसका नाम होगा सी आउट, और यहाँ पे सेमी कोलन चाहिए, यहाँ पे भी सेमी कोलन चाहिए। ठीक, हो सकता है कोशिश अच्छी थी, कोशिश थी कि जनरलाइज कुछ करूँ, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस गलत हो गए। अगला प्रोग्राम देखते हैं। अगले प्रोग्राम में डिक्लेयर किया है फ्लोट एक्स और वाई। ठीक है, एक्स की कोई वैल्यू दी जाएगी, वाई के कंप्यूट करना चाहिए, सेमी कोलन है बराबर, ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है, इसमें हम एक्स की वैल्यू देंगे और वाई की आउटपुट लेना पड़ेगी। तो इन्होंने लिखा है सी इन एक्स, क्या सही है? सी प्लस प्लस को समझेगा नहीं है, सी इन ग्रेटर ग्रेटर एक्स। अब उसको समझे, जब ये इंस्ट्रक्शन ट्रांसलेट होकर एग्जीक्यूट होगी तो वैल्यू एक्स की ले लेगा अपने। अगली इंस्ट्रक्शन इनकी जो बहुत ही बढ़िया है, वाई इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब, ये कागज में लिख सकते हो, टाइप कैसे करोगे? 2x3 ऐसा लिखोगे, 7x, इसका मतलब कंप्यूटर क्या लेगा? आपके और हमारे मन में क्लियर है, 7x का मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय x। अपन ने अभी देखा था कि कंप्यूटर को कोई भी एक्सप्रेशन लिखना है, ऑपरेशन करना है, तो बाकायदा कायदे से उसको दो वैल्यूज और बीच में एक ऑपरेटर, ऐसा हुए बगैर उसको समझ में नहीं आता। अगर हमें 7x लिखना है तो उसको 7*x ही लिखना पड़ेगा, 7x लिखा तो गलत हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन सही नहीं। अगर हमें 2x³ लिखना है जो सब वहाँ लिखा है, तो ये हम नहीं लिख सकते, सी प्लस प्लस में ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। इसको किस तरह लिखना चाहिए, इसका मतलब हम जानते हैं, एक्स को एक्स से गुणा करो, फिर एक्स से गुणा करो तो एक्स क्यूब आता है, उस सबको टू से गुणा करो तो 2x³ आ जाएगा, इसलिए उसके हिज्जे पुर्जे अलग से 2*x*x*x इतनी रामायण लिखोगे तो उसको समझ में आ जाएगी सीता कहाँ, 2 × x × x × x 2x³। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, तो ये प्रोग्राम गलत हो गया इसके कारण। इसमें और देखें, सी आउट लेस लेस वाई, सही लिखा था उन्होंने भाई, वाई कैलकुलेट कर लिया, उसकी वैल्यू चाहिए, लेकिन बस एक सेमी कोलन रहेगी। समझ गए कहाँ गलती? अब ये प्रोग्राम देखें, इन्होंने कहा है इंट एक्स फ्लोट वाई। इनका ये मानना है कि जो भी इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें एक्स हमेशा इंटीजर ही रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। तो ये जो फंक्शन जो लिख रहे हैं, लेकिन इन रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन इवैल्यूएट, कि खाली इंटीजर वैल्यू के लिए ही इवैल्यूएट होगी। एक्स की वैल्यू अगर 2.15 हुई तो ये दे नहीं पाएंगे, यहाँ पे 2.15 टाइप भी किया तो अंदर 2 ही जाएगा, क्योंकि इंटीजर एक्स होगा, ये एक छोटी सी गलती। आगे देखें, फ्लोट वाई सही है, आगे देखें सी इन ग्रेटर ग्रेटर वाई, ग्रेटर ग्रेटर एक्स सही है, इनपुट आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 2*x*x प्लस 4.3*x*x प्लस 7*x माइनस 28.91। समझ गया आप कितना सही लिखा गया है एक्सप्रेशन, यही लिखना पड़ेगा, दूसरा का नहीं लिख सकते, सेमी कोलन भी है। उसके बाद सी आउट लेस लेस वाई, इनका प्रोग्राम सब सही चलेगा, खाली जो इंटीजर वैल्यू एक्स ही उसी के लिए चले। अगर हम चाहते हैं एक्स कोई भी वैल्यू हो तो हमें क्या करना चाहिए, फ्लोट बना दे, तो यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट कर दे, सही प्रोग्राम हो गया। ठीक है, फ़ायदा हुआ ना ये सब अलग अलग लिख के फिर उसको देखने का, नहीं तो आप किताब पढ़ते तो ये समझ में नहीं आता कि कहाँ गलती हो गई। इन्होंने
यहाँ पे एक और लिखा है, अभी इनका प्रोग्राम थोड़ा मज़ेदार है, इसको देख लेते हैं किस तरह से गलती हो जाती है। किसी को अपन बुरा भला नहीं समझते, गलतियाँ मैं भी करता हूँ, आप भी, कोई भी कर सकता है, लेकिन क्यों गलती हुई और वो गलती नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, फ्लोट 2x³ कॉमा 4.3x² कॉमा 7x कॉमा 28.91। फिर लिखा है सी इन ग्रेटर ग्रेटर 2x³ प्लस 4.3x² प्लस 7x माइनस 28.91 सेमीकोलन। फिर लिखा है सी इज इक्वल टू, सॉरी ये प्रोग्राम देखिए, ये गलत है तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, अगर मैंने लिखा है तो मैं भी समझ जाऊंगा, लेकिन ये सोचने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों लिखा गया होगा। अभी देखिए, मान लीजिए मैंने प्रोग्राम लिखा है तो मेरे दिमाग में क्या सोच होगी, मेरे दिमाग में ये सोच होगी कि भाई ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना चाहते हैं, इसके चार टर्म्स हैं। अब मैं जानता हूँ कि मेमोरी में लोकेशन कितने भी रख सकता हूँ, तो मैं ये मन में सोच रहा हूँ ये चार लोकेशंस ऐसे रख दूँ कि जिनमें ये चार चीज़ें रहेंगी, तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया फ्लोट x³ 4.3x² 7x 28.9। ये मैं भूल गया कि मेरे इक्वेशन में क्या टर्म्स है, इसका मेमोरी लोकेशन से कोई कारोबार नहीं। मेमोरी लोकेशन में खाली एक नाम दिया जाता है और वो नाम बनाने के कायदे कानून हैं। अब तक हमने कायदे कानून स्टडी नहीं किए हैं, लेकिन वो नाम ABC XYZ PQR ऐसे हो सकते हैं। और ज़्यादा ये कि ये जो टर्म्स हैं ये हम टर्म्स मेमोरी में नहीं रखेंगे, हम ये पूरे इक्वेशन में खाली एक वैल्यू मेमोरी में रखेंगे x, और बाकी चीज़ें हमें कैलकुलेट करना। लेकिन चूंकि मैंने ये सोचा कि भाई ये टर्म्स मैं रखूँगा, इसके लिए देखिए इनपुट स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा, पहली टर्म ये वैल्यू दे दो, दूसरी टर्म की वैल्यू दे दो, तीसरी टर्म की वैल्यू दे दो, चौथी टर्म की वैल्यू, और फिर इसके बाद मैंने लिखा C को इक्वल टू पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म माइनस चौथी। ये स्टेटमेंट मैंने सही लिखा कि जो भी कैलकुलेट किया C वापस दे दो। अब इसमें दो तीन चीज़ें गड़बड़ हो गई, ये C कहाँ से आया भैया, हमने इंट नहीं बोला, फ्लोट नहीं बोला, तो कंप्यूटर को समझेगा नहीं C, वो बोलेगा ये कौन C है मालूम। दूसरा ये कि इस तरह की टर्म्स रीड नहीं होती है, एक लोकेशन में एक वैल्यू खाली रीड होती, समझिए ना। तो ये जो लिखा गया है ये सही नहीं है, हमें इक्वेशन अगर इवैल्यूएट भी करना है तो इक्वेशन में वेरिएबल क्या है उसको देखना चाहिए और वो वैल्यू खाली दी जाए। दूसरा, अगर मैं इस तरह प्रोग्राम लिखूं तो आपने मुझे ये पूछना चाहिए कि भैया अगर मुझे 2x³ 4.3x² इन सब की वैल्यू पता रहती तो मैं प्रोग्राम क्यों लिखता, मैं खुद ही जोड़ के बता देता ये वैल्यू। कैलकुलेशन जो है वही तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ वाली चीज़, ठीक है, समझ गया। अच्छा, तो सिंपल प्रोग्राम सही कैसे कर सकते हैं आप, आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत, थोड़े बड़े प्रोग्राम। अब इसमें हम एक कुछ और चीज़ देखते हैं, ये प्रोग्राम आपने यहाँ पे रन किया, मान लीजिए इसका नाम कुछ तो भी बदल देंगे हम, ये जो प्रोग्राम है इसको @.cpp तो था, आपने कोई तो भी दूसरा नाम दे दिया, ये जो प्रोग्राम आपने बनाया उसको आपने नाम दिया मान लीजिए eq.cpp। eq.cpp का मतलब क्या हुआ, equation.cpp, कोई तो भी इक्वेशन आप सॉल्व कर, तो कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे उसको, उसी तरह से यहाँ पे c++ @.cpp बोला था उसके जगह आप eq.cpp बोलेंगे, उसके बाद कंपाइल करके फिर a.out ही बनाएगा, a.out आप रन करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोग्राम मान लीजिए एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसने x और y के दो बना लिए यहाँ पे,
लोकेशन एक्स लोकेशन वाई। चूंकि एक जने गलती करी थी और उसको नाम दिया था हमने 2x³ 4x² फ्लोट वगैरह, इसलिए अभी हम ये नियम समझ ले कि नाम किस तरह से हम दे सकते हैं। जैसे प्रोग्राम फाइल के नाम देते हैं वैसे लोकेशन के नाम देने का भी एक नियम है। वो नियम यह है कि कोई भी नाम हम दें वो खाली अल्फाबेट्स A to Z, कैपिटल अल्फाबेट्स A to Z, डिजिट्स 0 to 9 और अंडरस्कोर, इन लफ्जों के बगैर दूसरा कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते आप। ये पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि जो भी आप नाम दें उसमें ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस नाम की शुरुआत डिजिट से नहीं हो सकती। यानी 2PQ यह गलत नाम है क्योंकि यह 2 से शुरू हो रहा है। PQ2 यह नाम चलेगा। हालांकि मैं यह पूछना चाहूंगा भैया PQ2 किस खुशी में नाम दिया आपने, क्योंकि जो भी आप नाम दें वो आपके प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखे तो अच्छा है। लेकिन देखिए वो गड़बड़ हो गई थी, जब ताल्लुक रखने की बात आई तो हमने गलती से सोच लिया कि 2x³ ये एक एंटिटी है तो नाम ही दे देते हैं 2x³, लेकिन 2x³ ऐसा कोई नाम नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो नाम देने के ये रूल जो है ये आपको फॉलो करने चाहिए हमेशा। और दूसरी बात, जो भी आप नाम लिखेंगे वो लोकेशन बन जाएंगे वहां पे, उसमें आपकी वैल्यू आती जाए। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम मेरा रन हो रहा है, A.out बोल दिया, लेकिन अब रन कैसे हो रहा है देखिए, वो कंप्यूटर ने तो चालू कर दिया, हम यहाँ बैठे हैं, अब हमें कैसे याद रहेगा कि x की वैल्यू देनी है। हम राह देख रहे हैं कंप्यूटर कुछ करे और कंप्यूटर राह देख रहा है कि कोई x की वैल्यू दे तो मैं आगे बढ़ूं, दोनों अपने अपनी जगह बैठे। तो ये जो है ये एक गड़बड़ है कि कंप्यूटर बोले बगैर कुछ करता नहीं और बोल वो सकता नहीं, वो खाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करे। इसके लिए एक ट्रिक यूज करते प्रोग्रामर्स। वो प्रोग्रामर्स क्या कहते हैं कि भाई मैं जो सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूं मैं एक और इंस्ट्रक्शन यहां पे लिख दूंगा सी आउट, और यहां पे ग्रेटर ग्रेटर बोल के ऐसे डबल कोटेशन में स्ट्रिंग लिखूंगा गिव मी एक्स। ये डबल कोटेशन में जो भी मैं लिखूंगा उसको बोलते हैं मैसेज, स्ट्रिंग मैसेज। तो जिस तरह सी आउट less y बोलने से वो y की वैल्यू मुझे देता है, उसी तरह से सी आउट less स्ट्रिंग बोलने से जो भी स्ट्रिंग है वो यहां मुझे टाइप कर दे। अब देखिए अगर ये प्रोग्राम मैंने कंपाइल किया और रन किया तो पहली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी C=XX नहीं एग्जीक्यूट होगी, उसके पहले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी ये वाली, और ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है सी आउट less गिव मी एक्स। इसमें कोई वैल्यू मेमोरी में जाके देखने का सवाल ही नहीं, जो भी स्ट्रिंग रखी है वो यहां पे छाप देगा और यहां पे अपने को लिख के आएगा क्या फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि हम समझ गए कि कंप्यूटर एक्स की वैल्यू के लिए वेट कर रहा है। इस तरह से जब भी आप प्रोग्राम लिखें कोई भी इनपुट स्टेटमेंट हो उसके पहले एक मैसेज जरूर सी आउट कर दीजिएगा ताकि जब एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम तो आपको पता चले कि क्या आ रहा है। या विच वन नहीं सी आउट और सी आउट एक ही है, मतलब नहीं सी इन ग्रेटर ग्रेटर है, सी आउट less है। ये अलग इंस्ट्रक्शन है, ये अलग इंस्ट्रक्शन है, पहले ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन है। आप पहले इनपुट लें या पहले आउटपुट लें आपके ऊपर निर्भर, ऐसा आप प्रोग्राम लिख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कभी भी इनपुट इंस्ट्रक्शन लिखने से पहले एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन लिख दे, लेकिन उस समय आउटपुट करने के लिए आपके वैल्यू तो कोई नहीं है, आप वो मैसेज देना चाहते हैं जो यहां बैठा है उसको कि भैया आप एक्स की वैल्यू दो। कैसे मैसेज देंगे, इसलिए हमने एक नई इंस्ट्रक्शन ईजाद करी है कि नॉर्मली हमने अगर सी आउट लिखा
और उसके बाद में ऐसा ऐसा करके जैसे जेड लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, जेड की वैल्यू आप दे दो हमें। इसी तरह एक और नई इंस्ट्रक्शन हम बना रहे हैं अभी, कि अगर हमने सी आउट लिखा और लेसलेस लिखने के बाद में कोई नाम नहीं दिया, लेकिन नाम देने की जगह हमने कोई एक मैसेज दे दिया ऐसा करके, तो इस मैसेज में हम जो भी लिखेंगे वो आउटपुट हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू वैल्यू का कोई संबंध नहीं। यहां पे मान लीजिए हमने लिखा सी आउट आई एम फूल, तो सी प्लस प्लस जो है बाकायदा आई एम फूल ऐसा लिख। इसका मतलब सी आउट के बाद में डबल कोट देके हम जो भी मैसेज लिखें डबल कोट से बंद कर दें, तो वो मैसेज वैसा का वैसा वो सी प्लस प्लस यहां बना देगा, लिख देगा। ये नॉर्मली इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब इसलिए है कि मान लीजिए अगर इस तरह का कोई मैसेज नहीं हुआ तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि कुछ इनपुट हमें देना है। तो इसलिए एक तरीका है प्रोग्राम लिखने का कि हर समय जब भी आपका सी इन स्टेटमेंट आप लिखें इंस्ट्रक्शन में कुछ वैल्यू पढ़ने के लिए, उसके पहले एक सी आउट इंस्ट्रक्शन जरूर लिख दें और उस सी आउट इंस्ट्रक्शन में यह लिखें कि क्या देना है, ताकि यहां जो बैठा है उसको समझ में आए। क्योंकि ये 5 लाइन का प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम खाली आपने इस चीज के लिए लिखा है, इसलिए आपको मालूम है जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा एक ही वैल्यू आपको देना है, तो इसलिए आपको मालूम है। लेकिन अगर ये आदत आप अभी से नहीं डालोगे तो जब आप 200 लाइन का प्रोग्राम लिखोगे उसमें 15 चीजें आप इनपुट करोगे अलग अलग जगह पे, 20 चीजें कैलकुलेट करके आउटपुट करोगे और प्रोग्राम चलता रहेगा और बीच में सडनली वहां पे एक ब्लैंक दिखेगा, आपको कैसे याद रहेगा कि अभी पी की वैल्यू देनी है कि क्यू की वैल्यू देनी है कि आर की वैल्यू देनी है। ये सुविधा बनाने के लिए हम लोग इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखे, लेकिन बिल्कुल सही है, लिखना बिल्कुल जरूरी है। अगर नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना याद रखिए कि आपने नहीं लिखा और आप राह देख रहे हैं कि कंप्यूटर कुछ करे, लेकिन उस समय कंप्यूटर भी बैठा रहेगा एक्स की वैल्यू, और वो कब तक बैठा रहेगा, जिंदगी के अंत तक, कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए उसको ये लिखवाना उससे कि भाई हमें बताते जाओ कि क्या करना है, और वो बताते जाने अपने मन से तो कुछ नहीं कर रहा, हमें उसको कह रहे कि जब यहां तक पहुंचोगे तो हमें बता देना, आगे जाओगे हमें वो बता दे। ये सी आउट स्टेटमेंट का बहुत फायदा, आप सी आउट कितने भी लिख सकते हो प्रोग्राम, जो जो आप सी आउट करोगे वो आउटपुट आता जाएगा, मैसेज लिखोगे मैसेज आएगा, नाम लिखोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यस, जैसे इन्होंने कहा कि यहां पे मैं लिख दूं इंट जेड, तो सी प्लस प्लस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू हैव टू यूज जेड यू कैन नॉट यूज इट बिफोर यू हैव डिक्लेयर्ड इट। So somewhere if you are saying Z is equal to P plus Q, then that instruction cannot come before this declaration. However, the rule that we will follow in our course is that all names will be declared at the beginning. This is a discipline that we follow. C++ does not require it. It's a discipline. Tarika. So ek tarika hum log akhtiyar hai ki bhai jab bhi jitne bhi naam likhna hai, तो आप एडिट करेंगे प्रोग्राम उस समय ऊपर 2 लाइन जो जगह छोड़ दीजिए, अब प्रोग्राम लिखते जाइए। मान लीजिए कोई नाम लिखना भूल गए तो बाद में प्रोग्राम पढ़िए कहाँ कहाँ नाम आ गए, ए बी पी अल्फा बीटा, फिर देख लीजिए ऊपर सब डिक्लेयर होगा कि नहीं होगा एक जगह का। सो इट इज़ परमिटेड बट नॉट एडवाइज्ड। नहीं, ये पहले किसी भी चीज़ को डबल कोट सिंगल कोट हर जगह नहीं कर सकते, हम सी आउट में करना चाहते। हाँ, इसको ऐसा करेंगे, बहुत अच्छा सवाल पूछा हूँ। मान लीजिए कोई एक जेड है, उसमें वैल्यू है 34.2। हाँ, अभी अगर सी आउट लेस लेस डबल कोट जेड बोला तो आपका जो टर्मिनल है वहाँ पे जेड करके आएगा, क्योंकि डबल कोट में जो लिखा है वो वैसा का वैसे आता है। अगर आपको जेड की वैल्यू चाहिए तो नहीं आएगी, लेकिन अगर डबल कोट नहीं लिखा तो इसका मतलब ये कंप्यूटर समझता है कि ये सी आउट जो है कोई मैसेज नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी नाम की वैल्यू देना लेना चाहता, तो
तो वो अपने मेमोरी में देखेगा जेड ये है, इसकी वैल्यू 34.2 है, फिर वो 34.2 छापेगा यहाँ, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल प्रोग्राम। जो सैंपल शीट दी थी आपके पास है, इसमें ये सवाल है एज ऑफ ए स्टूडेंट, क्या नाम दोगे अगर आपको एज ऑफ ए स्टूडेंट रिप्रेजेंट करना है तो? देखिए इतने नाम लिख दिए मैं, इनमें से कोई भी नाम आप चूज कर सकते, ये भी नाम है ए। अब देखिए थोड़ा गौर कीजिए, जो नाम लिखने के तरीके मैंने बताए थे, रूल बताए थे आपको कि नाम अक्षरों से बना होना चाहिए या डिजिट होना चाहिए और अंडरस्कोर हो सकता है। इसमें खाली अक्षर है, इसमें अक्षर है और अंडरस्कोर है, इसमें अक्षर है इसमें एस बड़ा लिखा है, इसमें अक्षर है इसमें ए बड़ा लिखा है। यह ध्यान देने की बात है कि ए जी ई और स्मॉल ए जी ई ये अलग नाम है, वो कंप्यूटर इन दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी रखेगा। और आपने कहीं सी इन ये कर दिया और सी आउट ये कर दिया तो आप वैल्यू कुछ देंगे, कंप्यूटर आपको कुछ अलग वैल्यू। तो नाम जो आप लिखते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, इतना ख्याल रखें। तो ये एक सवाल है उसमें। फिर उसके बाद एक सवाल था कि एक्सप्रेशन लिखिए, तो जैसे अभी अपन ने लिखा ना ये एक्सप्रेशन, उस कंप्यूटर में किस तरह से लिखते जाते हैं, उसके लिए एक एक सवाल था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, एक्सप्रेशन लिखिए इसके लिए। अब इसमें कितने अलग अलग टर्म्स हैं, बी है ए है और सी है, ऑब्वियसली ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेंट बनता है, तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होंगी। तो इसलिए इमीडिएटली हमारे मन में आ जाना चाहिए कि भाई सबसे पहले हम फ्लोट बनाएं, फ्लोट बी ए सी, ये तीन नाम हमें लगेंगे, ओके। अब इसके बाद हम एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं, किस तरह से एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, बी बी स्क्वायर लिखें, नहीं बी स्टार बी, ठीक है आगे माइनस फोर स्टार ए स्टार, ये तो एक्सप्रेशन हुआ। लेकिन इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके प्रोग्राम में तो हमें असाइन करना पड़ेगा किसी नाम को, तो ये चूंकि डिस्क्रिमिनेंट है इसलिए यहाँ पे कॉमा बोल के डी आई एस सी आर बोल देते, सेमी कोलन। और अब ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अगर डी आई एस सी आर लिख देंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन कैसे लिखना, असाइनमेंट कैसे करना, समझ गया, बस आपको आ गया प्रोग्राम, बस खाली सही लिखें तो सिंपल प्रॉब्लम सब सॉल्व कर सकते हैं। अगले दो प्रोग्राम हैं इस सैम्पल शीट में, वो ये पूछते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट फिक्स पॉइंट कन्वर्शन कैसे होगा। इंटीजर लिखा है तो दो बड़े बड़े नंबर दिए, उनका जोड़ किया तो क्या सही आएगा, उनका गुणाकार किया तो क्या सही आएगा। ये सवाल इसलिए हैं कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में लोकेशन कितना भी बड़ा हो उसका लिमिट है कुछ, तो असल में उसका लिमिट होता है बिट्स में, बाइनरी में 32 बिट्स, जनरली इंटीजर 32 बिट्स का होता है, उससे बड़ा नंबर हो गया तो अंदर नहीं आ पाएगा। फिर ऐसे समय में कंप्यूटर क्या करेगा, ये जानने के लिए हम लैब करते हैं, लैब में जाके हम देख लें, प्रोग्राम लिखें इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इन ए बी सी आउट सी, और उसके बाद ए और बी की बड़ी बड़ी वैल्यू देके देखें, कहीं नहीं कहीं कंप्यूटर मर जाएगा, बोलेगा मेरे को समझता नहीं, वो आप देख सकते हैं कि कैसे क्या होगा। जिनके पास नहीं है आप ले लें वो शीट जो है।